पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम के मुख्य कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया और हड़ताल की चेतावनी दी। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को ज्ञापन देकर मुरादाबाद में सफाई का कार्य करने वाली लॉयन कंपनी पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन स्वीकारते हुए अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श कर ध्यान आकर्षित करने का आश्वासन दिया है। कमाने वाला कोई है नहीं, 7,000 की तो एक दिन में खाना खा ले। आप सुन लीजिएगा, आपकी बात मेरी संज्ञान में पहले से ही है। आपकी समस्याओं को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पिछली बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ जो आपके पदाधिकारी हैं, आपके जो प्रतिनिधि करते हैं, उन्होंने पास किया, लेकिन उसके बाद में चुनाव आ गए। चुनाव होने से आचार संहिता लगी नहीं, वो प्रस्ताव शासन को जाना है। मेरे संज्ञान में है, नेताजी के संज्ञान में है कि आपका मानदेय 15,000 करने के प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया जी। लेकिन इसकी प्रक्रिया ये है कि ये शासन को जाएगा। चुनाव हुए हैं, सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं हम लोग। जैसी वहाँ से होकर आता है ये लाभ पहली चीज। दूसरा, जो आप देख रहे हैं कि कोई कंपनी आ रही है आपको हटा देगी, आपका काम हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हटाने की कोई बात नहीं, ये कंपनी इसके बारे में हम अलग से वार्ता करेंगे, हम समझाएंगे आपको, बता के कोई काम करेंगे। ये कंपनी केवल अभी सर्वे कर रही है जी। इस कंपनी को ये नहीं कहा गया किसी कर्मचारी को इधर उधर करना है। कर्मचारी हमारे साथ वही रहेंगे, एक भी कर्मचारी कहीं नहीं जाएगा, सब हमारे साथ ही काम करेंगे। अभी कोई काम उसे स्टार्ट नहीं किया है, हो सकता है बहुत सी समझ में ना आ रही हो, सुनने में दिक्कत रही हो, तो हम बैठ के पहले आप लोगों को बुलाएंगे, आपके लोगों को बुला करके आपके जो प्रतिनिधिगण हैं। सर्वेदा कंपनी ना करके नियम कर रही है तो अच्छी बात है, कंपनी कोई ना करे सर। तो हम सड़ा देंगे, पूरा काम नहीं होगा, निजीकरण चाहिए नहीं, कतई निजीकरण नहीं चाहिए हमें। आपकी समस्या को सुनेंगे, ज्ञापन देने के लिए मेरे कार्यालय पे आए हैं। इन्होंने समय लिया है, 12 बजे का समय था, लेकिन कुछ विलम्ब हो रहा है कि कुछ मांगे हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिए, ये हड़ताल पर भी। अच्छा सर, किसी एक कंपनी को एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, जो कंपनी मुरादाबाद में काम करने वाली है, उसमें कोई सोल्यूशन क्या निकल कर आया? मैंने उनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, इनका ज्ञापन लेने के लिए आमंत्रित किया है, उसके बाद में मुझे बताएं क्या समस्या है। अभी तक हमारे संज्ञान में समस्या ये लोग लाए नहीं, तो मैंने उनको आमंत्रित किया, समस्या बताएं, उसका जो भी संवैधानिक या जो उचित निर्णय होगा उसको बताएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।